अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्निंग पॉइंट 147 में वेलकम। आप देख सकते हैं कि ये है मी के मेरे रैंकिंग शो हो रही है और टोटल पॉइंट भी शो हो रहे हैं जो कि मैंने सुबह परफॉर्म किए थे। तो अगर आप अपने एक अकाउंट से अब जो टास्क करने के बाद अगर आप किसी और फैमिली मेम्बर को अगर ये अपने टोकन है मी के एथीरियम जो है सेंड करना चाहते हैं और उनको टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो उनका मैं तरीका अगर आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने मेटामास्क में जाना है और ये मेटामास्क है, यहाँ पे आपने नेटवर्क अपना सिलेक्ट कर लेना है, हेमिस्पेलर। ठीक है, हेमिस्पेलर सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने सेंड नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एड्रेस पे पेस्ट करना है, अगले बंदे का जो एथीरियम का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपना एड्रेस दूसरे अकाउंट का देखूं, ये वाला मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे आपने एथेरियम सेलेक्ट करने के कितने आप सेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं एक एथेरियम सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक लिख दूंगा। ठीक है, एक एथेरियम यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से कंफर्म करेंगे तो वो दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। अब आगे जाके आपने टास्क कौन से परफॉर्म करने हैं, क्योंकि अगर गैलेक्सी का पासपोर्ट तो आपको होगा, वहाँ पे होगा नहीं तो वहाँ पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अब आपने वो वाले काम करने हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने पासपोर्ट परचेज़ किया हुआ है तो फिर तो आप गैलेक्सी के टास्क करने हैं आपने, अगर नहीं किया हुआ तो फिर तो नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, यहाँ पे कंफर्म, और उसके बाद नीचे ट्विटर का अकाउंट कनेक्ट कर देंगे। इसी के साथ ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू अकाउंट हम बना रहे हैं अभी, तो ये अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ लिंक करना था उसको, एमी का पेज दोबारा ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये पेज हो गया हमारा, और अब यहाँ पे टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं। अब आपने सबसे पहले तो इसको ऐड करना है नेटवर्क, तो वो नेटवर्क ऐड करने के लिए आप मान लीजिए कि इसके ऊपर क्लिक किया, ये टास्क आपने नहीं करना ये वाला, क्योंकि एथेरियम वाला मेन नेट से आपने इसमें ट्रांसफ़र करना होगा, वो आपने नहीं करना है अगर आपने हेमी ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर लिया हुआ तो, क्योंकि फ़ी बहुत ज़्यादा लगती है और कॉस्टली पड़ते हैं वो, इस वजह से ये टास्क आपको नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। पॉइंट आपके कम मिलेंगे लेकिन ना होने से बेहतर है कि करना है लेकिन रिस्क कम होगा। जी, हमने ऐड भी कर दिया, तो अब देख लेते कि हमारे पास ये स्पोलिया हेमी स्पोलिया में ये आए हुए टोकन। तो अब हमने टास्क करने हैं ये दूसरे गैलेक्सी वाला नहीं करना क्योंकि पासपोर्ट चाहिए, दूसरे वाला नहीं करना क्योंकि इसमें मेन एथेरियम आपको चाहिए होंगे, एथेरियम स्पोलिया से इसमें हेमी में तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो आगे अगर आप देखना चाहते तो ये हम रिवर्स करके देख सकते हैं कि अगर मैक्सिमम मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ
0.9 अगर करना चाहते हैं तो फ़ी कितनी होती है? इसमें तो फ़ी नहीं लग रही, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया से इधर आते हैं तो तब अच्छी खासी फीस लग रही होती है, तो इस वजह से हम वो परफॉर्म नहीं करेंगे ये वाला टास्क। अच्छा जी, तो दूसरे वाला टास्क जो है ये डाई USDT और USDC, इनको हमने परचेज करना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे डेक्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एथेरियम तो हमारे पास आ गया है, यहाँ पे अब कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। ये एथेरियम हमारे पास एक शो हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सा टोकन सेलेक्ट करना है? डाई। अब ये कितना फार है? 0.5 जो एथेरियम है, मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 64% प्राइस इम्पैक्ट, यहाँ पे काफ़ी प्राइस इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन क्योंकि टास्क को परफॉर्म करने हैं तो वो अभी थोड़ा से हम मार्जिन रखते हैं, ये कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे कंफर्म, ये जो प्राइस इम्पैक्ट इतना पड़ा है उसका मतलब ये है कि जितने हमने ट्रांसफ़र किए हैं तो उतने हमें दोबारा से वापस नहीं मिलेंगे टोकन। ठीक है, अब डाई में कर लिया, अब हमने करना है USDT। आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे भी 0.1 प्राइस इम्पैक्ट है, यहाँ पे 81% है, मतलब कि बहुत अच्छा खासा प्राइस इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। मतलब कि अगर हम इसको USDT को अगर दोबारा से ट्रांसफ़र करेंगे एथेरियम में तो 81% समझो लॉस में होंगे हम। तो वो अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर डाई सिलेक्ट करता हूँ जो कि हमने ट्रांसफ़र किए थे, डाई का बैलेंस शो हो रहा है। अब इस ये देखें, अब डाई हमें जो रिसीव हुए थे 0.1 एथेरियम पे करने पे, वो इतने रिसीव हुए हैं। अब ये इतने कम है कि इनको हम यहाँ पे सेंड तक नहीं कर सकते हैं, मीन सेंड तो कर सकते हैं। ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहे अभी। यहाँ पे अगर मैक्सिमम करें तो हमें कितने रिसीव होंगे ये अभी आपको रिजल्ट यहाँ से पता लग जाएगा कि प्राइस इम्पैक्ट का क्या है। ये स्वैप करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट अप्रूव एक्सेप्ट। ये तो उल्टा फायदे में आ रहा है, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन देखते हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट थी हमारी 0.1 एथीरियम। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है। अब इसके मुताबिक तो हाँ, देखा ना, ये फेल हो गया। ट्राई अगेन के ऊपर करते हैं, ट्राई अगेन, अब देखें 0.34 पे आ गया डायरेक्ट। तो ये फ्लक्चुएशन चल रही है इसमें अच्छी खासी। अगर जितने इसने बताया ना, अगर उतने हमें रिसीव होते तो ये हमारे जो टोटल बैलेंस है 1 एथेरियम तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स सी, ये देखें फेल हो गया। उसकी रीज़न ये है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो हमें एक्चुअल को जो रेट था वो नहीं मिल पा रहा। तो फ़िलहाल हम USDT में करते हैं, क्योंकि हमने टास्क अपने परफॉर्म करने हैं। 0.05 करते हैं, यहाँ पे स्वैप आने में करते हैं कन्फर्म।
तो ये ट्रांजैक्शन भी होगी। अब USDT USDC वाली करनी थी, ये भी हम वहीं करेंगे 0.05। आपके पास मिनिमम अगर 0.5 एथेरियम इसमें भी आ जाते हैं ना, हैमी एथेरियम में, तो उनसे भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपने करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉइंट्स जनरेट हों। 4 घंटे बाद पॉइंट ये अपडेट होते हैं। तो अब हमने ये वाला टास्क कर लिया हुआ है। 0.5 मिलना था हमें, 1 USDT और डाई के बदले टोटल 2000 पॉइंट हम क्लेम कर सकते थे। होपफुली ये हमारे 2000 पॉइंट हमें मिल जाएंगे कुछ देर के बाद, ठीक है, तकरीबन 4 घंटे के बाद ये अपडेट होता है। अच्छा, ये दूसरा कर लिया क्रेट से, ये कैप्सूल वाला हम कर लेंगे क्योंकि ये भी इसी से लिंक्ड है। और स्वैप हमने हैमी, ये तो हमने कर लिया हुआ स्वैप, तो फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, 2 टोकन को स्वैप करके देख लेते हैं। एक स्वैप है और एक सेंड है, सेंड टू वॉलेट एड्रेस, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाई है और यहाँ पे है USDT, तो इनको स्वैपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल हम करते हैं $500 की, तो यहाँ पे स्वैप करेंगे। ये फर्स्ट टाइम फेल आता है तो दोबारा से कर लेते हैं कंफर्म। यहाँ पे कंफर्म करते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेंड का, ये सेंड वाला भी हम करके देख लेते हैं ताकि हमारा कोई टास्क रह ना जाए। तो अब हमने अपना एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे सेंड कितना हम करेंगे, मान लीजिए कि हम डाई ही सेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर टॉप पे लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1000 जो डाई है वो सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे कंफर्म कंफर्म, इस तरह से ये टास्क भी परफॉर्म करना चाहिए आपको। बेशक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम करेंगे। अच्छा जी, ये भी हो गया, स्वाप भी हमने कर लिया। अब डाई मैक्सिमम जो थे हमने करने थे एथेरियम में, ये कर लेते हैं एथेरियम में। और यहाँ पे कुछ 90 कर देते ताकि थोड़े बहुत टोकन सारे हमने पेंडिंग में रखने हैं। उसकी रीज़न ये होगी कि कल को वो चेक भी कर सकते हैं ना कि अकाउंट में वो वाले बैलेंस होना चाहिए, USDT USDC जो भी हैं सारे अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जब वो क्रॉस चेक करें तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव आए। इसके बाद जो कैप्सूल का था वो वाला भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी वॉलेट आपने कनेक्ट करना है। कैप्सूल कौन सा टास्क है वो अगेन मैं बता देता हूँ, ये वाला था क्रिएट कैप्सूल ऑन हैमी। तो ये वाला कैसे क्रिएट करना है, ये यहाँ पे हमें ऐड एसेट के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे NFT नहीं है तो अच्छा ठीक है। तो ये डाई जो है हमारे यहाँ पे कितने हम करते हैं, फॉर एग्जांपल 500 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू, रिसीवर एड्रेस यहाँ पे देना है, आप मेरा दे सकते हैं या अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला अगर कॉपी पेस्ट करूँ, ये करें या आप अपना ही कर लें, अपना करना है तो यहाँ से कॉपी करना है, अगर डिफरेंट करना चाहें तो मैं आपको दे दूँगा एड्रेस, तो वहाँ से कर लेना यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर, यहाँ पे अप्रूव कर देना।
ये बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर भी ट्रांजैक्शन ही करनी है, और कुछ भी नहीं करना। ये अप्रूव कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखें वो सक्सेस हो चुकी है ट्रांजैक्शन हमारी, तो बस ये काम हमारा इसका हो गया। ठीक है, कॉपी योर ट्रांसफर लिंक, तो इसको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमने टास्क करना था, टास्क हो चुका है हमारा। ये कैप्सूल वाला भी हो गया, ये भी स्वैप भी हमने कर लिया, और यहाँ से हमने ये वाला कर लिया। ठीक है, तीन हो गया। और उसके बाद ये जो है जिले वाले क्वेस्ट, आपने बस जिले वाले क्वेस्ट करने हैं लास्ट में। ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, वो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया भी था। यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्ट करना है, यहाँ पे कंटिन्यू विद जीमेल कर लेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, वॉलेट के साथ देखते हैं। स्विच नेटवर्क, कोई मेन नेट आप सेलेक्ट कर लेना, कंफर्म करना। अब यहाँ पे वो इशू आ रहा है कनेक्ट, इधर कह रहा है कि जीमेल के साथ वो कनेक्ट करना चाह रहा है, तो उसको छोड़ें। आप फिर लॉगिन में डिस्कॉर्ड ही करेंगे, इसके लिए सबसे पहले डिस्कॉर्ड आप अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके साथ लॉगिन कर लें। अभी जैसे मेरा डिस्कॉर्ड बना हुआ है, तो मैं अपने जीमेल के साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो लॉगिन करना है, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ और पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट योर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। आई एम अ ह्यूमन, कैप्चा फिल करेंगे, कंटिन्यू टू एनेबल, नेक्स्ट, दो काम पे ये वेरीफाई, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पे हमारा इसका अकाउंट नहीं बना हुआ। तो ये मैंने न्यू अकाउंट बना दिया और इसको सेव भी कर लिया, और इसके बाद अथोराइज भी कर लिया। तो अब लॉगिन विद डिस्कॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। जो जिले के हैं सिर्फ दो टास्क थे जो कि पहले भी दिखाया आपको, इसको आपने रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश हो जाए उसके बाद लॉग इन विद डिस्कॉर्ड कर देना। तो ये जब हमारा न्यू डिस्कॉर्ड बनेगा तो ये वेरिफिकेशन की मेल आएगी हमने हमारे पास, तो उसको वेरीफाई करना है पहले। यहाँ पे आएंगे जीमेल पे और यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। ये डिस्कॉर्ड हो गया और यहाँ पे वेरीफाई जीमेल। तो कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड, अब जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो अब हमारा डिस्कॉर्ड हो गया रेडी। अब इसको कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से मसला भी कर रहा है तो अगेन हम जाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे ओपन टू जीले दोबारा से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं कनेक्ट टू जीले और लॉगिन के ऊपर, लॉगिन विद डिस्कॉर्ड। यहाँ पे अभी तक इशू आ रहा है, तो इसको लॉगिन विद जीमेल करके देख लेते हैं फिर, लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचा है। अब सीन ये है कि अगर जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें सबसे पहले अपना अकाउंट रेडी करना पड़ेगा।
कुछ भी रख दें। गेट स्टार्टेड। अब ये जब हमारा हो जाएगा तो अब हमने एक तो इसको तो ज्वाइन करना ही करना है ना। इसके लिए पहले डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है आपने, इसको नीचे आके यहाँ पे कनेक्ट वाले करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी सेटिंग सेट करनी है। वॉलेट इसलिए कनेक्ट करना है ताकि जीले का जब रिजल्ट आया करे तो वो टोकन आपके जो बनेंगे वो उसके अंदर सेंड हो सके, यहाँ पे वॉलेट के अंदर। और डिस्कॉर्ड की एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे काउंट होती हैं, इस वजह से डिस्कॉर्ड को भी कनेक्ट करना है। अब इसके बाद डिस्कॉर्ड कनेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ हमारे जीमेल के साथ लिंक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ही मेरा न्यू अकाउंट था और होपफुली आपको आपको भी आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों का भी न्यू अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। डिस्कॉर्ड का मेरा इशू आ रहा है, अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो आपने प्लस पे साइन करके यहाँ पे ज्वाइन आ सर्वर, यहाँ पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है डिस्कॉर्ड का। लेकिन यहाँ भी इशू आ रहा है तो ये इसको मैं थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेता हूँ, तो आपने भी इसको ट्राई करना है और डिस्कॉर्ड को लाजमी ज्वाइन करना है। ये हैमी शो होता है लेकिन फिर वो चला जाता है, कोई इशू आ रहा है इसका। तो जिले का क्वेस्ट आपने सिंपल सा ज्वाइन करना है इसको, और इनका जो टेलीग्राम दूसरा होगा सॉरी ट्विटर का अकाउंट उसको भी फॉलो करना है, बस इतना से काम है इसका। तो ये आप लोगों ने काम करना है, इस तरह से हमारा ये टास्क भी हो जाएगा। तो बस यहीं आपने दो ये एक नीचे वाला और एक ये वाला, ये तीन पांच चार टास्क बनते हैं, ये करने हैं सिर्फ आप लोगों ने। तो ये 4 घंटे के बाद रिवाइज हो जाएंगे। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।